नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है एबीसी एक समद्विबाहु। बच्चों समद्विबाहु क्या होता है? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब बाजुओं वाला, जिसकी दो बाजुएं बराबर हों। ठीक है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए, जिसका कोण सी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज है ये, और समद्विबाहु भी है। बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर देते हैं कि दो भुजाएं बराबर। लेकिन हमेशा याद रखना, क्योंकि यह सी जो है समकोण है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। और बच्चों ध्यान से देखना कि यदि सी समकोण है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा। कर्ण किसी भुजा के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि समकोण में कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये किसी के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब बीसी जो है वह एसी के बराबर होगा। ठीक है, तो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी दो बाजुएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, जिसका कोण सी समकोण है। तो हम मानेंगे कि कोण सी बराबर है 90 डिग्री के और एबीसी बराबर है एसी के। अब बच्चों देखो, इन ट्राइंगल एबीसी हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? एबी, यानी एबी का स्क्वायर बराबर बेस है एसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी बीसी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर एक मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर दो मान लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अब बच्चों क्या देखा हमने, बीसी एसी के बराबर है, तो इक्वेशन टू में ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर, और क्योंकि बीसी एसी के बराबर है तो बीसी की जगह मैं एसी लिख दूंगा, तो बीसी का स्क्वायर हो जाएगा एसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस। प्लस है बच्चों, प्लस का निशान है। अब देखिए ये हो गया ए बी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, टू एसी स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर बराबर टू एसी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए बी स्क्वायर बराबर टू एसी स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न था बच्चों, बहुत ही सरल प्रश्न था। सिर्फ इसमें हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगाई है और कुछ भी नहीं किया। और क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था, उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर थी, और उन्हीं दो भुजाओं को आपस में बराबर हमने यहां पर रखा और हमें ए बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर प्राप्त हो गया। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।